स्वप्न है और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके समतावादी, मानवतावादी, विज्ञानवादी लोगों के बीच में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन कर रहा हूँ। भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, मैं भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, समता सैनिक दल उसका प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा है उस सिलसिले में आया हूँ। 26 नवंबर यही लखनऊ शहर में माननीय काशीराम स्मृति स्थल पर संविधान के सम्मान में एक बड़ी रैली अरेंज की थी। उस रैली में माननीय अखिलेश जी वहाँ मौजूद थे। मकसद यही था, जो देश भर में आज संविधान की छेड़ाछेड़ी हो रही है उसके बारे में, संविधान के साथ जो पार्टियाज है यहाँ उत्तर प्रदेश की, उससे हाँ उसे लीडर को हम लोग ने आमंत्रित किया था। और वो रैली हमारी 26 नवंबर की संविधान के सम्मान की रैली काफ़ी सक्सेस हो गई, काफ़ी प्रशंसा हो गई मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, टीवी मीडिया में। उस समय तय किया था कि आने वाले समय में जो इलेक्शन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का, संविधान के सम्मान में जो सपा के नेता अखिलेश जी खड़े हैं उनको समर्थन देने के लिए आज मैं यहाँ लखनऊ शहर में हूँ। चुनाव आने वाला करीब एकदम आ चुका है, क्या चुनाव में आप लड़ेंगे? हम लोग चुनाव में नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी है समर्थन तो हम जरूर करेंगे। हमारी भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे उत्तर प्रदेश में है, समता सैनिक दल के कार्यकर्ता है हमारे, करीब करीब 5000 कार्यकर्ता दोनों संगठन के मिलके हमारे यहाँ है। उससे हम लोग बात करेंगे और आने वाले समय में सपा के साथ जो जो पार्टियाँ हैं उसको हम लोग समर्थन करेंगे। हमारा मकसद है कि हमारे पास अच्छे प्रत्याशी है, उनकी लिस्ट आज शाम को जो मीटिंग होने वाली है माननीय अखिलेश जी से, हम उसको सबमिट करने जा रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी ने एक चुनाव आयोग को लिखा है कि जो न्यूज चैनल पर चल रहे अपने तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग कर रहे हैं। मुझे समझा नहीं, फिर से रिपीट। ओपिनियन पोल जो है, जो सत्ते में बैठे हैं वो ओपिनियन पोल को प्रभावित करते हैं, जिसको जैसा चाहिए वैसा ओपिनियन पोल होता है। ओपिनियन पोल को बंद करना है, ये मैं भी पर्सनली मेरी बात है कि ओपिनियन पोल ये बंद होना चाहिए। इलेक्शन के बाद वोटिंग होने के बाद जो ओपिनियन पोल होते हैं उस पर होना चाहिए। अभी ये जनता को, मतदार को प्रभावित करने की बात होती है, जिनके पास पूंजीपति है वो उसको वैसे मोड़ देते हैं। आपकी क्या राय है? माननीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर की बातों से सहमत हूँ। माननीय ने जो बात कही है वो 100% सही है। हम लोग इस समय समाजवादी पार्टी के सम्मान में पूरा अम्बेडकर परिवार मैदान में इस नारे के साथ जो निकले हुए हैं, उद्देश्य यह है कि अभी भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इस देश में जो विकास जो बिल्कुल नहीं है, विनाश को विकास लोग कह रहे हैं, सार्वजनिक विकास इसलिए हो रहा है कि गवर्नेंस का जो कल्चर होता है, सिस्टम होता है, वो गलत दिशा में है। सर, एक सवाल तो जी, चुनाव में क्या आपकी बरादरी जो है जी, दलित समाज पूरा जी, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन नहीं कर रहा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का अपना एक पार्टी है, उसका अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी मर्यादा है, उसकी अपनी ऊंचाई है, लेकिन इस समय वर्तमान परिस्थिति में समाजवादी पार्टी जो है बहुत प्रभावशाली ढंग से बीजेपी को चुनाव हरा रही है, और सारे के सारे अम्बेडकरवादी चाहे दलित समाज के लोग आज एक मन से जो है फैसला ले लिया है कि हमें जो बीजेपी को हराना है, संविधान को बचाना है और विकास को सार्वजनिक करना है, समाजवादी पार्टी को समर्थन।